हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेस्ट कुकिंग विद साधना। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस सी कटहल की कोफ्ते की रेसिपी, तो जिसे हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे और फटाफट से बन जाएगी। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के इस मज़ेदार सी कटहल के कोफ्ते की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये कटहल को नमक डाल करके बॉईल किया है, और बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं है, बट हाँ अच्छा सा बॉईल है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें लेना है पोटैटो मैशर, और इससे हम इसे मैश करेंगे अच्छी तरह से। तो आराम से हो जाता है मैश, कोई दिक्कत नहीं होती इसको मैश करने में। और ये छोटा वाला कटहल है तो इसमें बीज वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, बहुत सॉफ्ट, छोटे छोटे से, बहुत ही सॉफ्ट से बीज हैं, तो आराम से मैश हो जाते हैं सब। और ये कटहल हमारा जो है वो मैश हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक कटोरी बेसन, और साथ में डालूँगी कुछ स्पाइसेस। तो डाल रही हूँ एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, साथ में डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। नमक हम बेसन के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि हमारे जो कटहल है उसमें ऑलरेडी नमक है। तो अब हमें हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद में इसे हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे, सारा कटहल और बेसन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा सा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे कोफ्ते बहुत ही हार्ड बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब बारी है हमें कोफ्ता बॉल्स बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि ये जो मिक्सचर है ये हमारे हाथों में चिपके नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद में फिर हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर मिक्सचर लेंगे, जितने बड़े हमें कोफ्ता की बॉल्स बनानी हो उतना बड़ा बड़ा मिक्सचर के बॉल्स लेंगे, और उसे अच्छे से राउंड अप करके बिल्कुल गोल गोल बॉल्स जैसा बना लेंगे। तो बस इस तरह से मैं सारी की सारी कोफ्ता बॉल्स जो है वो बना करके रेडी कर लूँगी। तो हाँ, बीच में जैसे ही थोड़ा सा ये चिपकने लगेगा मिक्सचर हमारे हाथों में, तो हम वापस से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, और सारी बॉल्स हमने बना करके रेडी कर ली हैं। और गैस पर हमने चढ़ाई है कढ़ाई, उसमें डाला है सरसों का तेल, और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे हम। तो ऑयल मेरा गर्म हो गया है बहुत अच्छे से, तो अब मैं क्या करूँगी, एक एक बॉल को इसमें डालते जाऊँगी, जितना एक बार में आराम से हमारी बॉल्स, जितने कोफ्ता बॉल्स आ जाएंगे उतनी ही हम डालेंगे। और डालने के बाद में हमें इसे थोड़ी देर तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है, थोड़ी देर तक सिक जाने देना है एक साइड से अच्छे से। और जब ये एक साइड से थोड़ा सा सिक जाएगी, तब उसके बाद में हम इसे थोड़ा ऐसा उलट पलट करेंगे। तो कोफ्ता बॉल्स हमारी एक साइड से थोड़ी थोड़ी सी सिक गई है, तो अब इन्हें मैं पलट दूँगी और दूसरे साइड से भी सिकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो हाँ, बीच से कलछी नहीं लगाएं, अदरवाइज़ ये बॉल्स जो हैं टूट सकती हैं। तो साइड से आराम आराम से इन्हें पलट दीजिए, थोड़ी देर के लिए सिकने दीजिए। तो मैंने सारी कोफ्ता बॉल्स को पलट दिया है, और थोड़ी देर और हो गई है, बॉल्स दूसरी तरफ से भी सिक गई हैं, तो हम इन्हें आराम से उलटते पलटते हुए अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक के लिए सेक देंगे, सेक लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बॉल्स हमारी टूट नहीं रही है, फट नहीं रही है, अच्छे से सिक गई है। तो कुछ देर में ही ये बॉल्स हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक करके रेडी हो गई, एकदम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, और बाकी की बॉल्स भी मैं ऐसे ही सेक करके रेडी कर लूँगी। और सारे के सारे कोफ्ता बॉल्स सेकने के बाद में, ये देखिए हमने सेक लिया है सारी बॉल्स को, और अब मैं इसमें थोड़े से आलू भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक दो लोग हैं जो कटहल नहीं पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए आलू डाल रही हूँ इसी में। और आलू को मैंने हल्का हल्का सा चिटकाया हुआ है, और सारे आलू को डाल करके इन्हें हम बिल्कुल सुनहरा, एकदम सुनहरा कलर आने तक अच्छे से उलट पलट करके इन्हें भी भून लेंगे, बढ़िया सा कलर ले आएंगे बिल्कुल एकदम अच्छा सा, जैसे हमारा ये देखिए, जैसे कि हमारा कोफ्ता बॉल्स का कलर आया था ना, वैसा ही हमने आलू को भी सेक लिया है एकदम अच्छा सा, देखिए बिल्कुल अंतर नहीं है ना दोनों में। तो इन्हें भी निकाल लेंगे, कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ है तो मैंने ऑयल को कर दिया है कम, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने ही। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज, छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने इसमें डाला है। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी 1/4 स्पून हींग, हींग का तड़का हम थोड़ा सा ज़्यादा ही देंगे, जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये हमारा मसाला जो मैंने पीस के रखा था, जिसमें मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को पीस करके रखा हुआ है, इन्हें हम डाल देंगे, और साथ ही साथ में हम बाकी के ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गर्म मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, और
एक चम्मच सादा नमक डालूंगी इसमें। तो नमक हमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग रखना है, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से रखना है नमक। और इन्हें अच्छे से चला करके मिक्स कर देंगे। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इन्हें भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मसालों को हमें तब तक भूनना है जिससे जब तक इसमें से ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट नहीं होने लग जाए, और तब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून करके रेडी हो जाएगा। बीच बीच में हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और बस ऐसे ही थोड़ी देर में हमारा जो मसाला है वो भून करके रेडी हो जाएगा। तो लगभग 5-6 मिनट हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो इस है इसका बिल्कुल अलग सा दिखने लगा है। तो बिल्कुल अच्छे से मसाला हमारा भुना है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैंने पानी को उस थाली में रखा हुआ था जिसमें हमने कोफ्ता का बैटर रेडी किया था, मिक्सचर रेडी किया था, और तो उसमें काफ़ी सारा मटेरियल नीचे लगा हुआ था थाली में। तो मैंने थोड़ा सा पानी उसी में डाल करके उसने थाली को वॉश करके डाल दिया है ग्रेवी में। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँ, तो मैंने टोटल 2.5 गिलास पानी ऐड किया है इसमें। और इसे अच्छे से उबल जाने देंगे और हमारा जो ग्रेवी है उसमें उबाल आ गया है। अभी इसे में हम 2-4 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन नहीं रहे। फिर उसके बाद में तो 3-4 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें हमारी जो कोफ्ता बॉल्स हैं इन्हें डाल दूंगी धीरे धीरे से। साथ ही साथ में जो हमने आलू रोस्ट करके रखे थे ना उन्हें भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो सारी कोफ्ता बॉल्स और आलू को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा चला देंगे। और उसके बाद में हम इसे 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक होने देंगे जिससे हमारे जो आलू है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और जो हमारी बॉल्स हैं कोफ्ता वाली वो भी अच्छे से पक जाएं। तो 6-7 मिनट हो गया है, कढ़ाई को मैं खोल रही हूँ और आप देखिए जो हमारी कोफ्ता बॉल्स हमने डाली थी थोड़ी सी बड़ी हो गई है और आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और कुछ देर के बाद में मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। हमारी बहुत ही बढ़िया सी बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारी जो बॉल्स हैं टूटी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही बढ़िया सी हमारी कटहल के कोफ्ते की सब्ज़ी बन करके तैयार है। तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी कटहल के कोफ्ते की सब्ज़ी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल वेज कुकिंग विद साधना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही प्रेस करिएगा बेल आइकन जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी बहुत ही मज़ेदार सी धमाकेदार सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।